हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल माइथ्रीफ सिंपल गार्डन मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेलाइकन में भी प्रेस कर ले ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे तो मिर्च का वीडियो लेके फिर से हाजिर हुई हूँ उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैंने मिर्च को कैसे उगाया है तो एतोजेद तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड के बाद अपने फ़ोन से वीडियो हटा देती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पे स्पेस बहुत कम है इसलिए फिर भी अभी जितना भी मेरे फ़ोन में कैप्चर किया हुआ है वही मैं आप लोगों को पूरी दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा तो और क्या क्या कितना मिर्च मैंने हार्वेस्ट की है और कितनी वैरायटी का मिर्च है मेरे गार्डन में वो सब आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी तो आप लोग एंड तक बने रहिए देखिए फ्रेंड्स मैंने सिडलिंग के बाद रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग के बाद अभी ये फ़िलहाल इस हालत में है तो पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ है ये मिर्च का आप लोग चाहे तो देख सकते हैं तो अभी इतना बड़ा हो गया है तो मेरे फोन पे अभी फ़िलहाल यही है तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ये देखिए कुछ प्लान में हार्वेस तोड़ने को भी मिल रही है मिर्च और यहाँ यहाँ से बहुत पहले ही बहुत सारा मिर्च तुर चुकी हूँ तो अभी फिर से ये हारवेस के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो इसलिए इसको हारवेस कर रही हूँ अभी ये काली मिर्च बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बाँझ में बिल्कुल गुच्छे में लगते हैं खाने में भी टेस्ट है तो मैंने जितना भी मिर्च का पौधा लगाया है इसके लिए मैंने मिट्टी कैसे तैयार की है वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बोल दूँ तो मैंने गार्डन सोइल लिया है पुराना वाला जो मेरे गार्डन में था वही मैं धूप में अच्छे से सुखा लिया और इसके बाद इसमें कोकोपी डाला थोड़ा सा रेत मिलाया और एक साल का गोबर की खाद वही डाला और सरसों की खली जो पेस्ट किया हुआ है वही डाला तो यही है मेरा सोयल मिक्सचर तो जितना भी मिर्च का पौधा मैंने लगाया है सभी ऐसे ही करके मैंने सोईल मिक्सचर तैयार करके मैंने लगाया है मिर्च आप लोग भी ऐसा करके लगा सकते हैं अपने घरों में फ्रेश फ्रेश जब मन चाहे तो तुरखे खाने को मिल जाएंगे आप लोगों को भी मिर्च तो हर रोज़ लगते हैं किचन में तो मार्केट से जो भी मिर्च लाते हैं उसमें मिलावट होता है फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वो तो हेल्थ के लिए हानिकारक भी है तो इसलिए अपने अपने घरों में जहाँ भी स्पेस मिले वहाँ आप लोग लगा सकते हैं लगा के ऐसा करके मिर्च तोड़ के खा सकते हैं जैसे कि मैंने किया है देखिए फ्रेंड्स ये अचारी मिर्च है डेढ़ सारा मिर्च लगा ये सभी मिर्च मैंने जो मार्केट से लाते हैं खाने के लिए तो उसमें से मैंने सीडलिंग तैयार करके ही मैंने लगाया है जितना भी मिर्च मेरे गार्डन में और ये भी ये बहुत ही तीखा है खाने में भी ये टेस्ट है ये भी एक अलग वेराइटी का मैंने ज़्यादा बड़ा में नहीं लगाया है यह छुट्टी छुट्टी सी मेरा ग्रो बैग है मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था तो आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी जहाँ से मैंने ख़रीदा तो ये देखिए ये छोटी सी प्लान में किस तरह से मिर्च लगा है और यह भी देखिए जहाँ भी मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए वही मैं लगा लेती हूँ और ये मिर्च देखिए ये अभी फ़िलहाल सीड्स के लिए मैं रख दूंगी मुझे चार पका हुआ मिर्च मिल जाएंगे सीड्स के लिए तो ये भी खाने के लिए ही लाया था मार्केट से तो उसमें से मैंने एक पका हुआ तो नहीं मिला मगर एक मेचूट मिला था उसमें से सीट डाला सिर्फ़ एक ही प्लान हुआ है उसको मैंने बहुत मेहनत से बहुत प्यार से इसको संभाल के अभी इतना बड़ा किया और इसमें देखिए कितना सारा फ्रोथिंग आ रही है ये मिर्च तीखा भी है और प्यारे भी देखते हैं बहुत ही देखिए कितना सारा मिर्च लगा है इस छोटी सी प्लान में बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हारवेस कर रही हूँ बहुत अच्छी भी लग रही है ये देखिए एक छोटी सी प्लांट से मुझे फोर्टी फाइव चिलीस मिला और ये देखिए फ्रेंड्स यही हारवेस की है इतना सा पाँच सौ होगा शायद इसमें डेढ़ सारा मिर्च है देखिए और ये देखिए ये बहुत ही तीखा है ये टोटल पांच वेराइटी का मिर्च है अभी फ़िलहाल मेरे गार्डन में और भी बाकी है तो अभी तक तो लगा नहीं तो प्लान भी छोटा है अभी भी ये देखिए ये काली मिर्च बहुत ही तीखा मिर्च है ये सूर्यमुखी लौका जिसे हम बोलते हैं और ये अचारी मिर्च और ये भी ये दोनों की तिखा बराबर है बहुत ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा भी नहीं तो दोनों में बराबर है जिसको तिखा बहुत कम खाते हैं वो लोग बहुत आसानी से खा सकते हैं और मैं भी यही खाती हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक